viewers कैसे हैं आप लोग उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे फिर जिंदगी ने सारा ही पर्चा बदल दिया वो आ गया जो हमको पढ़ाया ही नहीं था मुश्किल पड़ी तो लाडली ने बांध कर कमर वो भी किया जो माँ ने सिखाया ही नहीं था जिंदगी बहुत मुश्किल है बहुत ज्यादा बड़ी अजीब तरीके की बातें हमारे साथ हो जाती हैं हम हर बार जिंदगी को संवारने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर जिंदगी हमें वहीं ला के खड़ा कर देती है जहां से हम शुरू हुए थे क्या आपके साथ ऐसा होता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा ऑल आर नेचुरल थिंग्स मालूम नहीं ये क्यों होता है ऐसा क्या हो जाता है कि जिंदगी हमें आगे बढ़ते 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 फिर वहीं ला खड़ाती है जहां से हमने शुरू किया था जिंदगी हमें हमेशा से वो वाला पर्चा लाकर सामने दे देती है जिसके बारे में हमने कभी सीखा ही नहीं बहुत सारे स्टैंडर्ड किस्म के लोग जिनका स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल है उनको बहुत ज्यादा बुरे वक्त देखने पड़ते हैं बहुत सारे बुरे वक्त के लोग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अपना लेते हैं और उसके बाद फिर वापस नीचे आ जाते हैं मालूम नहीं जिंदगी ऐसा क्यों करती है खासकर वो बच्चियां जिन्होंने जिंदगी की तपिश को जिंदगी की रुकावटों को माँ बाप के घर महसूस ही नहीं किया उसके बावजूद शादी के बाद उनको वो तमाम चीजें झेलनी पड़ती हैं ये मुकद्दर नहीं है ये नसीब नहीं है ये आजमाइश है इस आजमाइश में अगर आप पूरे उतर गए तो पता नहीं कि जन्नत की कौन कौन सी कीमती नेमतों में आपका नाम लिखा होगा चलता रहे जो आप लापाई के बावजूद मंजिल का मुस्तहिक वही ही सहरा है हमारी माए हमें क्या सिखाती हैं हमारी माओ ने हमें आज तक क्या सिखाया है दुनिया कहती है ना तुम्हें कुछ आता है ना तुम कुछ आगे दे सकते हो आपको कुछ नहीं आता क्या आप ऐसे अल्फाज सुन सकते हैं क्या आपको ऐसी बातें अच्छी लगती हैं मेरा रब ऐसे नहीं करता दुनिया जितने भी कीड़े निकाल लेना आप में से मेरा रब ऐसे नहीं करता रब कभी भी नहीं चाहता कि वो किसी शख्स को इस तरह टटोले कि जो चीज उसके पास है ही नहीं जिस तरह का सबक उसको पढ़ाया ही नहीं गया वो चीज उससे ली जाए जिंदगी ऐसे ऐसे सबक पढ़ाती है हमें कि जिन पर्चों को हम भूल चुके हैं वो पर्चे भी हमारे सामने लाकर खड़ा दिए जाते हैं जिन चीजों को हम अब अपनी जिंदगी में सोचना भी नहीं चाहते हर शख्स एक अपनी ख्वाहिश रखता है ना एक लाइफस्टाइल की ख्वाहिश रखता है कि ऐसा हो वैसा हो कैसा ऐसा वैसा कुछ अच्छा कुछ कंफर्टेबल कुछ मुतमिन कुछ लविश है तो वही रोटी कपड़ा और मकान लेकिन उन सब चीजों में सारी चीजें सुलझी हुई हो हु। एक छोटा सा घर बहुत प्यारी सी गाड़ी अच्छे से कपड़े अच्छा सा एक लॉन जिसमें मौजूद बहुत सारे प्यारे प्यारे गमले और फ्लावर्स बहुत अच्छी सी छोटी सी थोड़ी सी घास घर में मौजूद हो कितनी सारी छोटी 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 ख्वाहिशें खात की जेंट्स की भी होती हैं, उनका भी दिल करता है लेकिन इंसान पाता क्या है जो हमें पढ़ाया ही नहीं गया होता वो हमारे सामने आ जाता है हम जिंदगी की उन तलखियों को महसूस कर लेते हैं उसके बाद फिर उनमें से निकलने की कोशिश करते हैं फिर उनको भुला भी देते हैं लेकिन नहीं जिंदगी हर कुछ अरसे के बाद दोबारा से वो चीजें सामने लाकर खड़ा कर देती है फिर जब हम पर मुश्किल आती है तो हम वो सब कुछ करते हैं जो हमें नहीं करना था लेकिन जिंदगी अब हमें बहुत सारी चीजों को आगे लेकर आने में मदद दे रही है जिंदगी हमें बहुत सारी हमारी ख्वाहिशें पूरी करने में मदद दे रही है सब अच्छा चल रहा है लेकिन उसके बावजूद दो से चार दिन के अंदर अंदर फिर जिंदगी वही ले आई आज हमने मिठाई बांटी की हमें एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है थोड़ी दिनों में पता चला हमारा तो वहां दिल ही नहीं लग रहा वहां तो हमारी इज्जत ही नहीं है आज हमें पता चला कि हमारा बहुत प्यारा रिश्ता हो गया वाह वाह बहुत अच्छे लोग मिल गए हैं कुछ अरसे के बाद पता चला कि नहीं बिल्कुल अच्छे लोग नहीं है तो बात करने की तमीज भी नहीं है हमें पता चला कि नहीं हम तो बाहर के मुल्क जा रहे हैं वाह वहां रहेंगे साफ सुथरा सब कुछ अच्छा ये वो पता चला हमारा वहां दिल ही नहीं लगता हम वहा अच्छा महसूस ही नहीं करते है। हम वहां तन्हा हैं अल्लाह ने हमें इतना बड़ा घर दे दिया अब हम अलग रहेंगे हम खुश रहेंगे पता चला कि वहां हमारा कुछ ना कुछ चोरी हो गया है अल्लाह पाक ने हमें इतनी सारी डिग्रीज दे दी हमने तो बहुत सारी तालीम हासिल कर ली है मालूम पड़ा कि पाकिस्तान या किसी भी दुनिया के और मुल्क में अच्छी नौकरियां ही नहीं है पता चला कि अल्लाह पाक ने हमें इतने सारे कपड़े और जेवर और खाना दे दिया है मालूम पड़ा कि गरीब अकेले रहते हैं गरीब तनहा है गरीबों के पास रोटी नहीं है हमें अपने हिस्से में सुन को देना था जो हमने नहीं दिया तो हम आखिरत वाले दिन अल्लाह ताला के आगे नहीं हो पाएंगे मोटापा भी बीमारी है इतना खाकर भी क्या करेंगे बहुत ज्यादा जखीरा करने में भी कीड़े पड़ जाते हैं मतलब जिंदगी किस मोड़ पर ले आती है ना इंसान को इंसान बड़ी कोशिशों के बावजूद पीछे रह जाता है इंसान बहुत सारी लालच रखता है एक वक्त के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है व्यूवर्स के कभी भी जिंदगी में सुकून तो है ही नहीं मतलब ये एक ऐसा लफ्ज है कि हमें लगता है कि जब बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो हम सुकून में आ जाएंगे आसाइश मिल जाएगी चीजें मिल जाएंगी लेकिन एक लिमिट तक इस चीज को एक लिमिट में रखें बहुत ज्यादा रुपए पैसे के पीछे मत भागे वो एक अपना जितना रुपया साथ, साथ लाता है अब मालूम नहीं हम उतने सारे रुपए का सदका कैसे दे पाएंगे कितना सदका करें देने का भी तो दिल नहीं करता ना इंसान का सिर्फ लेने का दिल करता है बहुत सारी छोटी 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 छोटी, छोटी ऐसी अजीब सी चीजें पैसा अपने साथ लाता है जिनको हम सुलझा नहीं पाते और वो सुकून गुरबत में है हाँ गुरबत में लाइफ नहीं है तो मैं समझती हूँ कि जो लोग बहुत गरीब हैं वो बुरा जी रहे हैं जो बहुत अमीर हैं वो बुरा जी रहे हैं बस परेशान है वो। बीच के जो लोग हैं ना मिडियोकर फैमिली दे आर वेरी गुड दे आर इंजॉय देयर थिंग्स दे हैव एवरीथिंग और थोड़ी थोड़ी और उनको ख्वाहिश भी है वो ख्वाहिश उनको जीने पर मजबूर किए हुए हैं, वो और ज्यादा आगे बढ़ने पर मजबूर है थोड़ा थोड़ा और पाना चाह रहे हैं उस पाने की ख्वाहिश में जिंदगी को जी तो रहे हैं जो चार दिन की सांसें मिली है चार दिन की जिंदगी है फिर अंधेरी रात है बहुत प्यारी जिंदगी दरमियाने तबके के लोग जी रहे हैं मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एक दरमियाना तबका हूं अभी मैं ठीक चल रही हूं लालच नहीं है अब मुझे शायद कुछ अर्सा पहले हो रही थी कुछ हो रहा था लेकिन अब हमने शॉर्ट आउट कर लिया है बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए हम क्या करेंगे इतने सारे इतने सारे जूतों का इतने सारे कपड़ों का इतनी सारी गाड़ियों का इतने सारे घरों का इतने सारे माल का इतने सारे चीजों का क्यों कहाँ कहाँ तक हिसाब किताब रखते पाएंगे क्यों भाई क्या करना है चंद ठीक है सबसे कीमती चीज जो दुनिया में आपके पास होनी चाहिए वो तो एक अच्छा दोस्त है ना नेक औलाद है माँ बाप का साया है लेकिन इंसान तो और चीजों के पीछे भागता है इंसान और खातन बहुत सारी प्यारी प्यारी खातन उनकी जिंदगी बदल कर रह जाती है वो पर्चा उनको दे दिया जाता है जिसका सिलेबस भी उन्हें नहीं पता और ना ही उन्होंने कोई रिवीजन की है और फिर वो वक्त आ जाता है जब उन्होंने पेपर देना होता है बारहा वो कोशिश के बावजूद भी फेल हो जाती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अपने आप को बचाने के लिए पाँव बहुत मारती हैं, मुश्किल पड़ी तो लाडली ने बांध कर कमर वो भी किया जो माँ ने सिखाया ही नहीं था जब मुश्किल पड़ती है ना तो फिर पता चलता है कि क्या करना है और ऐसी ऐसी जोश वाली खातिन मौजूद हैं कि मैं हैरान हो जाती हूं उनका जोश देखकर कहीं कहीं मैं अपने आप को समझती हूँ कि शायद मैं कुछ अच्छा कर रही हूं लेकिन जब मैं मुख्तलिफ लोगों के बारे में पढ़ती हूँ सुनती हूँ देखती हूँ यकीन करें मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि खुवान इस हद तक चीजें कर रही हैं दे आर दे आर लाइक अ मोटिवेशनल इंस्परेशनल पर्सनैलिटीज हु आर डूइंग वेल वेल एंड वेरी वेल तो इस जुमले ने जब मैंने इसको पढ़ा कि जब मुश्किल पड़ी तो कोई भी ऐसा लाडला बच्चा वो चाहे बेटा था या बेटी थी उसने अगर उस मामले को सर कर लिया ना वो चाहे जिस भी क्लास से रिलेटेड था किसी भी जॉब से रिलेटेड था किसी फैमिली से रिलेटेड था किसी भी शहर मुल्क कस्बा रुतबा कहाँ भी था लेकिन अगर उसने वो कर लिया तो उसकी कश्ती पार लग गई लेकिन माँ ने सिखाया नहीं था क्योंकि माँ तो नरमी सिखाती है ना माँ तो मोहब्बत सिखाती है माँ प्यार सिखाती है माँ आसानी सिखाती है बताती जरूर है कि मुश्किल में ऐसे करना लेकिन दुआ करती है कि इन पे मुश्किल ना आए लेकिन जब मुश्किल आ जाती है तो फिर इंसान क्या करता है बहुत कोशिश करता है कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शुरू में रोने लग जाते हैं वो तो गलत है लेकिन कुछ लोग बहुत शदीद हिम्मत करते हैं और फिर वो उस चीज से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं उनके लिए इतना ज्यादा उनको तोड़ा जाता है क्यों भाई उनका कसूर ही क्या है अल्लाह पाक आप सब लोगों की मुश्किलें आसान करे आपकी जिंदगी को आसान करे थैंक यू